तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, नेवी एमआर कंप्लीट टच हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सारा चैप्टर आप लोग कंप्लीट करा देंगे अभी, नेवी एमआर का जितना भी होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस ओके आउट ऑफ दिस सीरीज। तो इसको कर लो, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टेस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट मॉक करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप लोग घबराइएगा नहीं, जितना करा रहा हूँ फेथ रख के कर लो। सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर टॉपिक वाइज भी टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, चैप्टर टेस्ट है, सेक्शन टेस्ट है, फुल टेस्ट है। आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो फुल मॉक टेस्ट जरूर देना, उससे आपका आइडिया लगेगा, उसके बाद अपना कमज़ोर पोर्शन पे काम करेगा, ठीक है, करिएगा। तो फिलहाल अभी नेवी एमआर का आप लोग का एग्ज़ाम है, जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में उसको ध्यान से सुनना, कर लेना जितना क्वेश्चन अभी मैं इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ, सारा कुछ कर लोगे, ठीक है, तो सारा कुछ आपका हो जाएगा। देखो देखो, यहाँ सेक्शन वन सेक्शन टू होता है, सेक्शन वन सेक्शन टू। सेक्शन वन में क्या होता है, साइंस प्लस मैथ, क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेट करो, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो पहले हम लोग साइंस एंड मैथमेटिक्स देखते हैं, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा, एज इट इज़ इसी टाइप का आएगा, इससे कम ही लेवल का आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको दिखा देते हैं हम आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा देंगे। चलिए पहले मैथ आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, ठीक है, ट्रिको यानी त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 25, कोट 35, कोट 45, कोट, देखो बहुत आसान तरीका, इसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है, ठीक है। इसका 1 मार दोगे, कैसे मारोगे, ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है कोट का, ठीक है, कोट 25 और कोट 65 कितना होता है भैया जी, 90। जो भी 90 बना रहा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होते चल जाएगा, होते क्या होगा, इसको 1 मारोगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं टेस्ट को सबमिट कर लूँगा, ठीक है सॉल्यूशन मैं आप लोग को दिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ ऐसे करोगे 1 आएगा, देखो सारा एक एक एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, कोट 25, कोट 35, कोट 45, कोट 55, ठीक है। कॉट 90 माइनस एट करेंगे, इंटू कॉट ए करेंगे, ये 1 देगा, ये प्रॉपर्टीज़ है जो फार्मूला यूज़ मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सभी चीज़ ऐसे करोगे तो सारा सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा, कॉट 25 और, ठीक है ना, कॉट 25 इंटू कॉट 90 माइनस 25, तो ये कॉट इंटू 10 बन जाएगा, कॉट अपॉन 10 करेंगे तो समझ में आ रही बात है। कॉट अपॉन कॉट 90 माइनस ए इंटू कॉट ए करेंगे, ठीक है ना। तो इसको 10 45 जो आएगा, ठीक है ना, 1 हो जाता है, इसका मतलब सबका वैल्यू 10 में बदल जाएगा, 10 में बदलने के बाद 10 45 डिग्री आएगा, जिसका मतलब 1 होता है, ठीक है, 10 45 डिग्री जिसका मतलब 1। तो इसका फाइनली आंसर 1 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिंपल ये प्रॉपर्टी देख लो, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉट 90 माइनस ए इंटू कॉट, ठीक है। इस फार्मूला बेस पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं चेंज कर देता हूँ हिंदी में। 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ जाता है, ठीक है, वो साइड हो जाता है, तो शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या होगा। तो हम लोगों को क्या पता है, शेष बचे औसत भार दिखाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सही आंसर मार्क करवा दिया आप लोग को, कैसे 5 विद्यार्थी का औसत भार 40 किलोग्राम है, एक छात्र भार या 50 किलोग्राम वाला, तो 5 चक्के 200 हो जाएगा, पहले बात 5 इंटू 40 200 हुआ, एक छात्र 50 किलो वाला चल गया, तो अब कितना बचा, 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, जिसका औसत कितना हो जाएगा भाई साहब, 200 में से 50 ग्राम तो 150 बन जाएगा, ठीक है, तो 150 बन जाएगा, ठीक है, 200 था 150 बन गया 4 का, तो 150 अपन 4 करोगे तो औसत भार हम लोग को 4 लोग का निकालना है ना, जो शेष बचा तो 37.5 आ जाएगा, 150 अपन 4 करोगे, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल। फिर देखो यहाँ हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं, दो संख्या का लघुत्तम यानी लघुत्तम एलसीएम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ, ठीक है,
कितना है? 1200। ठीक है, निम्न में से कौन सा उसका महत्तम समापवर्तक होगा? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर है, ठीक है, एक्स इंटू वाई, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है एक्स इंटू में वाई बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है, फार्मूला देख लो, एक्स इंटू वाई दो नंबर है, इधर एलसीएम हो गया इंटू एचसीएफ हो गया, ये हो गया इसका फार्मूला। अभी इस फार्मूले पर पुट कर दो, दो संख्या का लघुत्तम दिया है 1200, ठीक है, 1200 दे दिया, उसका हम लोगों को क्या निकालना भैया जी? एचसीएफ निकालना। ठीक है, एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालिए आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1200 में हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, देखिए हम लोग को क्या होगा आंसर। यहाँ पर 500 आ रहा, कैसे होगा? देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम दिया तो 1200, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अवधारणा याद रखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो होगा वो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, तो माना कि पी क्यू है 12 × x है। ठीक है, जानते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा उनके लघुत्तम समापवर्तक का एक गुणनखंड होता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में 500 1200 का कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अभीष्ट परिणाम 500 होगा। तो यहाँ क्या पूछा था क्वेश्चन, हम लोग को देख लीजिए, कौन सा उनका महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, नहीं होने का याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं वाला बोला। तो इसमें इसमें बोला गया है उसका एचसीएफ नहीं होगा, नहीं 500 ही हो सकता है, जो नहीं बाकी सब उसका मल्टीपल में, यानी गुणज है, तो गुणज है, तो उसका जो गुणज नहीं है उसके बारे में पूछा। तो आई होप समझ गए हूँ। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का इस टाइप का सवाल मिलेगा आपको। प्रत्येक धनराशि को % साधारण ब्याज पर 8 वर्षों के लिए इस प्रकार उधार देती है कि उससे प्राप्त राशि उसके द्वारा दिए गए ऋण से 1×4 गुना अधिक है। ठीक है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर का मान ज्ञात करना है हम लोग को, आर कितना होगा। ठीक है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। देखो, प्रीति है, क्योंकि समय 8% दिया, 8 वर्ष है, दर भी 8% है, तो ऐसा ही हम लोग का सूत्र पता है, PR2/100 हो जाता है, जहाँ P मूलधन है, R ब्याज दर है और T समय है। मूलधन माना मूलधन P है। ठीक है, ऐसा ही क्या होगा, P/4। ठीक है, P/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/4 मिलेगा हम लोग को, जो कि रियल में इतने के बराबर है। तो हम लोग R हम लोग को निकालना था, तो R हम लोग का 5% आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला लगाए हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन हम लोग को दिया हुआ था, क्वेश्चन में गणना किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला को पुट कर दिए। कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट में पूछिए। ठीक है, देखो फिर मैथ का सवाल आता है। एक धनराशि को ए बी सी क्रमशः 2, 3, 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 15,000 रुपया है, तो बी और सी का हिस्सा में क्या अंतर होगा? अंतर पूछा, यानी बी और सी को पहले निकालना, फिर दोनों में बी और सी का अंतर भी बताना। ठीक है, दोनों जो निकल जाएगा उसमें से आंसर आपको मार्क करना। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से चीज है। देखिए, ए बी सी दिया 2, 3, 7, बी का हिस्सा 3, 2, 5, 7, 5, 12 का वैल्यू अपन, बी का हिस्सा है 15,000, तो 3 का वैल्यू हम लोग को 15,000 दिया, तो 1 का वैल्यू 5,000 हो जाएगा, और हम लोग को 12 का वैल्यू निकालना, तो 12×5=60,000 हो जाएगा। ठीक है, और बी माइनस सी का वैल्यू भी निकालना, तो बी का वैल्यू है 15,000। ठीक है, सी का हिस्सा में अंतर भी बताना, तो बी का 15,000 हो गया, और 7×5=35,000 हो जाएगा किसका, सी का। 35 में से 15 घटाएंगे तो 20 बचेगा ना, तो 20,000 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ? यहाँ देखो, आपको आंसर भी मैं बता देता हूँ। देखो कैसे कैसे बनाया गया, पहले एक्स 2x 3x 7x मान लिए हम लोग, ठीक है, गणना कर लिए हैं। ठीक है, और बी का हिस्सा 15,000 है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो बी का हिस्सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार बी का वैल्यू 3x है, और 15,000 इसका वैल्यू निकलता है, तो एक्स का वैल्यू 15,000 हो जाएगा, और 7x का वैल्यू -3x हम लोग को निकालना, उसका वैल्यू क्या हो जाए, तो 4x होगा। 4x का वैल्यू अगर हम लोग करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5,000, तो इसका आंसर आ जाएगा, दोनों का बीच का अंतर 20,000। कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए, सारा मैथ यहीं पे कंप्लीट करा देंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी करा देंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक अलजेब्रा का सवाल आया, यदि ए बी सी 14 है, ए बी बी सी सी ये दिया है 47, और ए बी बी सी ए बी सी 15 है। देखो एग्ज़ाम में मैं कल सुबह आपको एक फार्मूला पीडीएफ दूंगा, ठीक है, फार्मूला पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में,
टेलीग्राम अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करो। इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। इस वीडियो को क्या करोगे, आगे मैं सेशन स्टार्ट करूँगा, शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई डाउट हो तो, ठीक है। और दबा के शेयर करो ताकि सभी तक पहुँचे जिसका एडमिट कार्ड आया है, वो लोग देख के सलेक्शन ले सकें, ठीक है। कोई डाउट हो जरूर पूछना कमेंट में, या टेलीग्राम में डाउट ग्रुप है वहाँ पर भी जाके मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली पूछोगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो सकता है तो इतना बड़ा फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, ये सब पेड क्लास में इतना सारा फैसिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ये अभी मैं मॉक करा रहा हूँ, ठीक है। मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैथ है, मैथ करा रहा हूँ, ठीक है। अभी फार्मूला मैं दे दूँगा लास्ट में, उस फार्मूला को दे देना, सारा फार्मूला पे ही बेस्ड ये सब सारा क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ, और यही सब क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी, यानी संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, यानी जो अवधारणा है सब सेम होगी, सूत्र जो है सब सेम होगा, क्वेश्चन का जो चैप्टर है वो सब सेम होगा, ठीक है। सब आया हुआ क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। साइंस और मैथमेटिक्स सेक्शन पहले हम लोग कवर करना है। तो यहाँ ए बी सी दिया 14, ए बी बी सी सी ए दिया 47, ए बी सी 15 दिया। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब फार्मूला का वैल्यू निकालना, तो हम लोग जानते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा वो सब हम लोग देखना। सबसे पहले ये फार्मूला आपको इस जगह को याद होना चाहिए। तो ये एक फार्मूला बनता है अवधारणा का इस्तेमाल किया गया है, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी सी, ये होता है फार्मूला। इसको बी बी आई है, इसको रट लो, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ निकालने बोल दे चाहे कुछ निकालने बोले, लेकिन यही फार्मूला देगा। तो बहुत बी बी आई है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो अभी 2021 में हुआ था फरवरी में, ठीक है। एग्जाम उसका है, सॉरी ये अप्रैल में एग्ज़ाम जो हुआ था ऑफलाइन, इसी तरह। इसलिए ये सब क्वेश्चन मैं अभी सेट करता हूँ, कंप्यूटर से टाइप करवाता हूँ, तब जाके बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं होगा, मॉक तैयार करवाता हूँ, ठीक है। तो ये ऑफिशियल अपना मॉक है, ठीक है, वही सब में से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये सब सारे चीज़ें यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को पहले हम लोग को ए बी सी जो चीज़ निकालना है उसको साइड पहले ये फार्मूला लिख लेंगे, ये फार्मूला याद आना चाहिए, ठीक है। फिर जो जो दिया हुआ उसको वैल्यू पुट करना, अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो हम लोग को निकालना है एक साइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी क्यूब हम लोग को निकालना था, तो माइनस 3 ए बी सी को हम लोग अपने आप उधर लेगा, और बाकी जितना वैल्यू था सबका वैल्यू गिवन है। कोई ऐसा वैल्यू नहीं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है तो 14 लिख दिए हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर, फिर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का जगह करना है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू ए बी सी, ए बी सी का वैल्यू हम लोग को 15 दिया हुआ, ठीक है। तो सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे जितना भी आएगा 815 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट में पूछना कि सर ई कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ठीक है। और ये सब सारा फार्मूला है, देखो मैं फार्मूला का एक चार्ट दे दूँगा, ठीक है। उस फार्मूला कर जाना, डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सूत्र जो होती है सूत्र, उसकी फॉर्म मैं दे दूँगा मैथ के लिए, सारा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर का आएगा, देखो 5 से 6 चैप्टर कुछ आएगा, जिसमें से पर चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, और टोटल 12 क्वेश्चन आएगा मैथ का, 13 क्वेश्चन आएगा साइंस का, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समय चल दू कार्य और समय टाइम एंड वर्क इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है। इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देखो क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन को अभी छोड़ो, अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 या 60 एलसीएम हो गया ना जी। तो ए कितना दिन में काम करेगा, यहाँ पे इफिशियंसी निकलेगा, यानी क्षमता निकालना है। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 60/20 कर दीजिएगा, जितना इसका काम जितना दिन में करता है उतना दिन, तो टोटल काम हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। और 20 दिन में करता तो 3 का कैपेसिटी हो गया, एक दिन में मतलब 3 काम करेगा। उसी तरह बी है तो यहाँ पर 30 से डिवाइड दोगे तो 2 काम करेगा, आई होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम पहले हम लोग एलसीएम लेके निकालेंगे दोनों का, 20 और 30 का। अब टोटल काम को, ठीक है, जैसे ए का इफिशियंसी निकालना है, यानी ए काम को क्या निकालना भैया जी, क्षमता निकालना है, ए कितना दिन में काम कर सकता है। तो ए एक काम को 3 दिन में करता है, फिर उसी तरह बी के जगह पर 60/30 कर दोगे तो बी का इफिशियंसी जो होगा यानी क्षमता होगा 2 हो जाएगा। तो बोला है दोनों मिल के कितना दिन में करता है, तो टोटल काम हम लोग एलसीएम जो लिए तो वो हो जाएगा टोटल काम, जिसको हम लोग 60 बोलेंगे, ठीक है। इतना बेसिक तो कोई नहीं पढ़ाएगा कहीं यूट्यूब चैनल में, जो बता रहा हूँ उतना सुन लो, डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाएगा,
इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो टोटल काम यही हो जाएगा 660, ये हो गया हमारा TW टोटल वर्क। अब इसको हम लोग टोटल वर्क है तो दोनों ए प्लस बी बोला है ना जी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी हम लोग को पूछा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है, इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो अभी ये भी क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 7 काम टोटल था, दोनों मिल के कितना दिन में करेंगे, तो एक का एफिशिएंसी 3 था, एक का एफिशिएंसी 5 था, तो दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ देंगे और उसके बाद टोटल काम में से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों मिल के जो काम करेगा, जो क्षमता से काम करे, ये काम का में मतलब क्या होता है, तो यहाँ 3 × 2 = 5 हुआ, तो ये 12 दिन में सब मिल के काम कर देंगे दोनों मिल के, ठीक है। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर हिंदी में लिख देता हूँ, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी इंटू टाइम, इंटू टाइम यानी कार्य बराबर क्षमता गुना में समय, क्षमता गुना में समय, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक काम कब कर पाएगा, उसका को जितना कैपेसिटी होगा, एक्स कैपेसिटी हुआ और वाई समय में काम किया, तो इतना एक्स कैपेसिटी के साथ वाई टाइम तक काम किया, वाई समय तक काम किया, तब जाके जो भी काम हुआ वो उसका उतना काम कहलाया। मान लीजिए एक काम किया तो एक्स समय में एक्स एफिशिएंसी के साथ वाई समय तक काम किया, ठीक है, तो वो एक्स एक्स ये एक एक काम कर पाया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो फार्मूला मैंने बता दिया, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी, एक साथ एक निश्चित कार्य को 6 दिन में करता है, ठीक है। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिल के, ठीक है, 6 दिन में एक काम को करता, ठीक है। एक MDH वाला फार्मूला होता है, मैन, ठीक है, MDH मैन टाइम हावर, ठीक है, ये मैन है, ठीक है, ये डे है, ये हावर है, मतलब ये इतना दिन ले रहा है, ये इतना घंटा में, ठीक है, ये इतना घंटा में, एक दिन में इतना घंटा में इतना आदमी एक काम कर रहा है, ठीक है। MD M1 D1 H1 बराबर होगा MD2 H2, ठीक है। तो पहले मैं फिर से आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में एक काम, 6 दिन में एक काम करता है, ए और बी अकेले उसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 30 दिन में कर सकता है, ए 12 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब देखो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो सी का काम हमको बताना, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में मिल के कर देता है, ए भी 12 दिन और 30 दिन में करता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल हिसाब है, सब चीज़ दिया है, ए 12 दिन में, बी 30 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में, तो तीनों कैल्शियम लीजिए, टोटल काम कितना होगा वो पता चल जाएगा, 12 × 6 = 30, तो हम लोग के पास एलसीएम लेने के बाद आएगा 6 × 2 = 12 = 6 × 5 = 30, 2 × 5 यहाँ हो गया, अब देखिए 6 × 2 = 12 × 5 = 60, 60 हो गया, 60 काम हो गया टोटल, यहाँ पे भी 60 एलसीएम आया टोटल, तो अब 12 × 5 = 60 हो गया, यहाँ पे ए का एफिशिएंसी 5 हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया भाई, तो बी 30 दिन में कर रहा था, ठीक है ना, तो इसका एफिशिएंसी 2 हो गया, 2 दिन में 2 का काम कर सकता है, 1 दिन में 2 काम करेगा, ये 1 दिन में 5 काम करेगा, और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन, तो 1 दिन में 10 काम कर सकता है, ठीक है, तो कम दिन ले रहा, तो ये 10 में से 7 घटा देंगे तो सी का काम कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तो 3 का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो 60 काम को कितना दिन में कर पाएगा ये सी, बताइए 20 दिन में कर पाएगा, कितना दिन में, देखिए 20 आंसर सही है, देखिए मैंने सही बताया था, यहाँ पे सेम है, ए बी सी एक साथ एक निश्चित कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी अकेले 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की दक्षता लिए गए समय के विपरीत होती है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इस टाइप से बनाया, तो 1/12, 1/30, 1/6, ये वाला फार्मूला आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप इससे कॉन्सेप्ट समझ के कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते करते इसमें क्या होता है कि बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास होता है, और एक भी बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास पूछेगा आपसे, समझे, बहुत आसान, वेरिकुलम है, वेनिकुलम ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्टेक्शन, तो सबसे पहले वेरिकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, यहाँ वेनिकुलम नहीं है, वेरिकुलम, ठीक है ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ 5 आएगा, 5 × 20 100 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 9/6 × 3 होगा, 3 × 2 = 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में 5 हो जाएगा,
45, देखिए मैं बता रहा हूँ, 45 अपन में दो होगा यहाँ पर, 20 अपन 8 हो जाएगा इंटू 45 अपन में 2 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 5 बटा में 4 इंटू 45, ठीक है ऐसे कीजिएगा आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने बताया था ना ब्रैकेट इन ऑर्डर, ठीक है यहाँ पे हो गया बोर्ड मास लग गया, बोर्ड मास लगा है ना, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, सबसे मोस्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो खेला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यह सबसे ब्रह्मास्त्र होना, ट्रेन की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ट्रेन की लंबाई 800 मीटर, ठीक है, एक घंटा में 55 किलोमीटर चलेगा, या कितना समय में 1400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर सकेगा। तो 1400 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस 800 मीटर का ट्रेन, तो 2200 मीटर का ये हो गया पूरा डिस्टेंस। तो कितना मीटर में पार करेगा, टाइम टी लगेगा हमको, ठीक है। स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 55 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 2200 मीटर का इसका ये है, टाइम कितना लगेगा, तो 55 अपन, अब इसको हमको टाइम निकालना है भैया जी, स्पीड दिया टाइम देना है, तो डिस्टेंस अपन में स्पीड कर देंगे, डिस्टेंस है 2200 मीटर यानी, और टाइम है 55, तो 211 यहाँ 1100 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, 1100 अपन में 5 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो फिर 5 × 10, फिर 5 × 10 220, यहाँ पे 220 सेकंड हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, अलेवन टू जाओ 200 हो जाएगा, यहाँ पे 11.5 जाए, ठीक है, 5 हो जाएगा, 5.4 जाए, यहाँ 40 हो जाएगा, 144, देखिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, 2200 को समय इतना लगेगा, ठीक है, समय कितना लग रहा है, 39600 समय लग रहा है, ठीक है, तो समय को सेकंड में निकालना है हमको, जब भी अगर किलोमीटर से किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में सेंड करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये कर लोगे तो आपको साल इंटू कर देंगे जितना भी है, तो सेकंड में आ जाएगा, इसको करने के बाद सॉल्यूशन 144 आ जाएगा। उसके उसी तरह अपन प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है।